दो कमेंट आए हुए थे, ये जरूरी जो है ना, वो कह रहे थे कि प्लाजा में जो गए थे जरूरी जो सामान वगैरह था, तो प्यारे भाई हैं या बहन है, हम लोग ने जो जरूरी जरूरी सामान था वो लिया था। आज जी हमारे घर पे दूसरा सांप निकल आया, समझ नहीं आ रही है सांप जो है ना कहाँ से निकल रहे हैं, निकलते भी किचन में है। और जैसे ही आसिफ काम से आया, खाना खाने के लिए किचन में गया, तो इसने सामने देखा सांप है, जल्दी जल्दी से हमें बुलाया। और ये बिल्कुल ही सांप कल के जैसा है, ये देख सकते हैं आप लोग, और काफ़ी ज़्यादा जहरीला सांप है। उधर से निकाला, यहाँ से भी भागने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे तो सांप को देख के डर लग रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है पहले भी मेरे साथ काफ़ी बुरा वाकया पेश आ चुका है। दूसरा जी ये सांप निकल रहा है, पता नहीं किचन में कहाँ से ये मसला आ गया है। बेटा अब खाना भी यहाँ नहीं रखा करो, तो आई समझ में बात, खाने में पड़ गया तो कुछ भी हो जाएगा। पता नहीं विवर ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। और यहाँ आरम भी बैठा हुआ होता है, आसिफ भी बैठा हुआ होता है, सब लोग बैठे होते हैं, अंधेरा होता है, लाइट भी नहीं होती। और आपको पता बाहर हम लोग ने लाइट ली, तो आसिफ वैसे ही आया अचानक, खाना लेने के लिए अंदर गया है, तो मोबाइल की लाइट जलाई है, तो एकदम दिखा है, तो फौरन ही आसिफ लेने आके बोला है, और लाइट लेके आसिफ जो है ना घूम रहा है। घर जो है ना काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया, अब इसको मुरम्मत की ज़रूरत है, तो अल्लाह पाक जो है ना रहम करे। तो भी देखा है हम नूडल्स में भी घुस जाएंगे और क्या, खाना आप यहाँ नहीं रखा करो, घेरे में खाते हैं ना बेटा। कसम से तुम हंसो नहीं बेटा, इसमें जहर होता है। कल भी मैं इसी तरह आके बैठा हूँ किचन में, एकदम बैठा हुआ था यहाँ पे, मेरी अच्छी खासी नींद खराब हो गई। नींद तो बेटा मैं तुम लोग इसी ने मना करता हूँ, तुम लोग किचन में बैठ जाती हूँ रात में, अंधेरे में आती हो और अचानक एकदम चाय बना के पीना शुरू करती हूँ, कॉफ़ी वगैरह देख लो। मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं मना करता, इसीलिए मना करता हूँ कि किचन में नहीं बैठा करो तुम लोग, आई समझे बात। इसलिए ये उस दिन आरिफ जो है ना नीचे ज़मीन पर सो रहा था, जगह नहीं थी, ये भी सो रहा था, इसको भी मैंने उस दिन मना किया, मैंने कहा ज़मीन पर जो है ना आप नहीं सो, अब इनको पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं। तो आज आपने सलवारें सिलाई की हैं कितनी, एक पूरी सलवार सी थी या सीधी की थी? सीधी की। जब मैं आया था उस वक्त तो आप बटन लगा रहे थे ना, तो आज उस्ताद ने खाना खिलाया था, आज खाना का नहीं आया, नहीं तो फिर भूखे रहे ऐसी क्यों? उस्ताद ने बोला नहीं जाओ, आज नहीं जाओ, तो फिर क्या खाया था वो? नहीं जाओ भूखे बैठे रहे सुबह से। हाँ नहीं नहीं कुछ खाया होगा, कैसे ऐसा हो ही नहीं सकता, झूठ नहीं बोलता, बैठा रहा होगा ऐसे ही। और ही तौर पे अब यहाँ पे खाने पीने की इसमें क्या ढका हुआ है, पानी ये भी उठा लो, ये भी यहाँ से उठाओ, देख के आप डालो। सुबह तुम्हारी अम्मी जो है ना किचन में बैठ के जो है ना खाना वाना बनाती है, नाश्ता बनाती है। लाइट चली के अंदर पंखा चला। हाँ बेटा आराम उठ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहे। काम पे किया था, काम किया है, तबीयत वहाँ काफी ज्यादा खराब हो रही थी, उस टाइम पे जो है एक बज रहा है, अभी घर आ गया हूँ, तो ये बाजू जो है ना ऊपर कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है ऊपर, मुश्किल से होता है कोई भी काम करता हूँ, और पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और घबराहट सी हो रही है, काम बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा था, ऐसे दिल चाह रहा था कि बैठ जाऊँ, लेकिन काम वालों को भी टाइम पे काम ख़त्म करके देना था, क्योंकि उनको जो है ना बच्चे को लेने जाना था स्कूल, तो अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ,
अपना डॉक्टर के पास ये कार्ड वार्ड जो है ले लिया है अस्पताल का, और आरएफ और आसिफ भी आ गए हैं बाहर से चिल्ला रहे हैं कि गेट खोलो। जी बेटा आए है ना, 12 बजे आया था और अभी खाना खा रहा है, और ये धर्मू लड़का के खड़ा है कि अम्मी क्यों नहीं आई। आरिफ नहीं है? आ रहे। तुमने आके फी क्लास में नहीं बोला था कि इसके हाथ पे दाने हैं? बोला था इसकी मिस को जब ब्रेक में बैठी थी। लेके आ गए हैं, ये पैनाडोल दी है, दो दो टाइम दो दो को लिखानी है, तीन टाइम दी है पैनाराम, जिसे में जो दर्द वगैरह है ये दी है निहार मुंह, तीन दिन के दिए, और ये कैल्शियम दी है, अब इसमें पता नहीं कितनी टैबलेट हैं, 7 दिन की होंगी, 5 दिन, 3 ये और 2 इसके अंदर। मैंने कहा सर बैक जेड तो खा रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि आपको कैल्शियम की कमी है, सुबह जो है ना सर बैक जो है ना जेड खाएं, और रात को जो है ना ये वाली कैल्शियम खाएं, कैल्शियम की आपको कम अपेशी बहुत ही ज़्यादा है, अभी भी बोला भी नहीं जा रहा, बिल्कुल ही लो पड़ रहा हूँ मतलब। आराम सलाम कर दो। सलाम कर दो मेरे बेटे। तबीयत ठीक है? चाय पियोगे? आज क्या खाया तुमने? है पराठा खाया था। अच्छा जी, दवाई वगैरह जो है उस टाइम पे मैंने खाई थी, अभी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन हल्का हल्का सा दर्द है इस जगहों पे, और इसमें तो 2 कमेंट आए हुए थे, ये जरूरी जो है ना, वो कह रहे थे कि प्लाजा में जो गए थे जरूरी जो सामान वगैरह था, तो प्यारे भाई हैं या बहन है, हम लोगों ने जो जरूरी सामान था वो लिया था, आपको पता है मेरी बीवी धनिया भी उठा रही थी, उसे मैंने धनिया भी रखवा लिया था, गट्टी मोटी थी अच्छी थी, इसको चाह रहा था वो भी मैंने वापस रखवा दी, जो जरूरी सामान था जो खाने पीने का था, जो बहन ने जो यानी कि वो पैसे दिए थे, वो उन्हीं बच्चों में उन्हीं चीज़ के अंदर सारी चीज़ खर्च की थी, क्योंकि हमने उसमें वाफिर कोई फालतू चीज नहीं ली। हमें पता है कि हमारे हालात बहुत ही ज्यादा तंग है, आपको पता है गांव भी आना जाना लगा हुआ है, मेरी भूई का जो है ना इंतकाल हो गया है, अभी हालिया बारिशें हुई है, घर का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां भी कुछ काम वगैरह करवा के आया हूँ, अभी भी दीवारें गिरी हुई है, तो मैंने ब्लॉग में इसलिए शेयर नहीं किया था कि मेरे बच्चे अकेले होते हैं और पीछे जो है ना टेंशन होती है, तो आप बहन भाइयों से गुजारिश होती है वीडियो मुकम्मल देखा करें, आगे लिंक शेयर कर दिया करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस मंथ में खाली 5 लोग कह रहे वीडियो शेयर की है, तो प्यारे बहन भाइयों इन बच्चों का जो है ना मुस्तकबिल थोड़ा सा जो है ना अच्छा हो जाए, हम कहते हैं ये तालीम कर लें और इनके हालात जो है ना बेहतर हो जाए और हमारी मेडिसिन आ जाए और मेरा साया जो है ना बच्चों के पर सलामत रहे, क्योंकि मैं काम करने जाता हूँ मेरी तबीयत खराब हो जाती है, अब मुझे लोग काम पे भी नहीं रखते, मैं करना तो चाहता हूँ तबीयत खराब हो जाती है, जैसे काम करता हूँ देखने से तो बाहर बिल्कुल ही फिट हूँ, ये तो जिगर का मसला है, अंदर ही से तकलीफ है, तो इसी के साथ चाहूंगा इजाजत, कल मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।